आर्थिक अपराध इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में डायल 112 की आयोजित की गई बैठक। सवेरा योजना के तहत गांव से लेकर शहर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में की गई चर्चा। रक्षाबंधन त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिए गए सख्त दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदेश की सभी बहनों को दी बधाई। लाभार्थियों को NIC भवन में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने मिष्ठान, राखी और चेक का किया वितरण। दादी महिला मंगल समिति के अध्यक्ष मंजू जालान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दादी परिवार का 20वां वार्षिक 2 सितंबर व 3 सितंबर को मनाया जाएगा। शाहिद रविंद्र सिंह के 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र संघ भवन पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। पूर्व विधायक शीतल पांडे सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। जनपद में 15 कंपनियों के ऊपर जिला कृषि विभाग ने की छापेमारी। 3 कंपनियों से टेक्निकल ग्रेड यूरिया का लिया नमूना, भेजा जांच के लिए जिला कृषि अधिकारी ने दी जानकारी। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन दिवस पर राजनीतिक विज्ञान व रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश सिंह पहुंचे। कहा, शोध कार्यों को और बेहतर करने की है जरूरत। नगर निगम बोर्ड की बैठक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। सभी 80 वार्ड के पार्षदों ने बताई अपनी अपनी समस्या। महापौर ने कहा, सभी वार्डों की समस्याओं का होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के घटनाक्रम पे। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में डायल 112 की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से सवेरा योजना के तहत गांव से लेकर शहर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में चर्चा की गई और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर निर्देश भी दिए गए। साथ ही बैठक के दौरान रक्षाबंधन त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि डायल 112 पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को रक्षाबंधन पर्व पर अपने अपने पॉइंट पर मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही किसी भी हाल में महिलाओं से अभद्रता न होने पाए, इसकी भी हिदायत दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने कहा, आज ये पुलिस लाइन सभागार में डायल 112 की मीटिंग की गई है। ये मीटिंग जो आगामी रक्षाबंधन का त्योहार है, जन्माष्टमी का त्योहार है, उसके दृष्टिगत की गई है। साथ ही साथ जो सवेरा योजना है, जिसके अंतर्गत जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं या ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति जो अकेले रह रहे हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इस संबंध में ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, इसके लिए आज ये मीटिंग की गई है। इसी संबंध में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रधान हैं, चौकीदार हैं गांव के, उनसे बात करें, उनसे जानकारी करें कि उनके गांव में कितने लोग हैं ऐसे जो अकेले रह रहे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और उनसे कॉल करके उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही साथ जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसमें अपने पॉइंट्स पे ये सतर्क रहें, देखें कि किसी महिला के साथ में जो आ रही है जा रही है उसके साथ में कोई अभद्रता हो, कोई अपराध ना हो और जो त्योहार है वो सकुशल संपन्न हो। मैम, कुछ कागज है जो सूचना देते हैं और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके और संबंधित थाने से उनके खिलाफ विधि कार्रवाई की जाए। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को आज NEIC भवन में गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने मिष्ठान, राखी और चेक का वितरण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित NSC भवन में लाभार्थियों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने चेक वितरण किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधायक विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना के तहत आज प्रदेश की सभी बहनों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी है और बहुत सारा उपहार भी दिया है। बेटी को पैदा होने से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण कराने तक के लिए पहले 15,000 रुपए प्रदेश सरकार देती थी, अब उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा,
देखिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज कन्या सुमंगला योजना के तहत आज प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर बहुत सारी बधाइयां भी दिए हैं और बहुत सारा उपहार भी दिए हैं। अब बेटी को पैदा होने से लेकर के उच्च शिक्षा ग्रहण तक करने के लिए पहले 15,000 रुपए प्रदेश सरकार देती थी, आज उसको योगी जी ने 25,000 रुपए बढ़ा करके कर दिया है। योगी जी ने भी अनुरोध किया है कि बहनों से कि भाई आप लोग इतना सरकार सहूलियत दे रही है तो आप लोग आगे बढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और परिवार के लोग भी आज के डेट में सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बेटी को पढ़ाने के लिए हर कोई भी माँ बाप अपनी अवकाश से ज्यादा ध्यान दे रहा है कि अपने भले कष्ट में रह ले रहा है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो उसमें आज के डेट में कोई भेदभाव नहीं रह गया है। जैसा बेटा वैसे बेटी है, जो बेटी जिनकी होती है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, बेटी ही अपने माँ बाप का ज्यादा ख्याल करती है। और आज रक्षाबंधन के अवसर पर आपके माध्यम से सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामना देंगे कि आप लोग अपने भाइयों के प्रति, भाई भले भी थोड़ी बहुत गलती करे उसको नजरअंदाज करके उनका ख्याल करिए और ये पर्व आप लोग खुशी खुशी। दादी परिवार महिला मंगल समिति के अध्यक्ष मंजू जालान ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि दादी परिवार के तत्वाधान में 20वां वार्षिक उत्सव 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें कलश यात्रा गोरखनाथ मंदिर से लच्छीपुर तक निकाली जाएगी। शाम 6 बजे नेपाल लॉज सिविल लाइन्स में भजन संध्या कलाकार निखिल साहू द्वारा किया जाएगा। 3 सितंबर से दादी का नारायणी चरितमानस मंगल पाठ आमंत्रित कलाकार सुरभि बिरुजका द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दादी परिवार महिला समिति के अध्यक्ष मंजू जालान ने कहा, ये दादी परिवार महिला समिति का वार्षिक उत्सव है, ये 20वां वार्षिक उत्सव है और हमारे दादी परिवार का ये बहुत धूमधाम से साल में एक बार मनाया जाता है और इसको हम लोग रानी सती दादी का वार्षिक उत्सव मनाते हैं। और काफ़ी पहले दिन 2 तारीख को जैसे कलश यात्रा निकलती है 113 लेडीज़ की, और दूसरे दिन उत्सव होता है उसमें मंगल पाठ पढ़ने के लिए बाहर से आती हैं सिंगर। और पहले दिन जो 2 तारीख को उसको शाम को भजन संध्या है उसमें भी काफ़ी हमारे अच्छे सब आते हैं और सब दादी भक्त काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सब एक जैसी साड़ियाँ पहने रहते हैं तो अच्छा लगता है। आते गोरखपुर है, आसपास के लोग हैं, सभी जगह से आते हैं, काफी अच्छी भीड़ होती है। हाँ, कलाकार बाहर से, सुरभि बिरुजका जी बाहर से आ रही है सूरत से। क्या खास रहेगा इस बार? इस बार खास रहेगा आपके कार्यक्रम में? इस बार दादी जी का खास गणेश वंदना से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद मतलब गणेश वंदना का बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, फिर चुनरी मेहंदी और यही सब होगा। दादी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, डांडिया खेला जाएगा उसी में। शहीद रविंद्र सिंह के 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र संघ भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे ने शहीद रविंद्र सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे ने बताया कि दुनिया में कोई नेता नहीं है जिनके निधन के बाद उनके 44वीं पुण्यतिथि पर लोग इकट्ठा हुए हों, और वो रविंद्र सिंह थे, उनके रहने पर नौजवानों में जोश होता था। शहीद रविंद्र सिंह देश के नौजवानों के प्रेरणा स्रोत थे। इस अवसर पर कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे धीरज सिंह ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके 40-42 साल के निधन के बाद 44 साल के निधन के बाद इतने लोग उमंग और जोश में जिसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं वो हमारे नेता रविंद्र सिंह जी थे। उनके रहने से नौजवानों में एक जोश होता था, उमंग होता था, नौजवान बड़े बड़े अन्यायी, बड़े बड़े तानाशाह उनका चुनौती पूर्वक स्वीकार करते थे और लड़ते थे। रविंद्र सिंह जी पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के नौजवानों के प्रेरणा स्रोत थे और हम लोग उन्हीं की देन है कि आज हम लोग दो शब्द बोल रहे हैं। कृषि विभाग ने 15 कंपनियों के ऊपर टेक्निकल ग्रेड यूरिया को लेकर छापेमारी की।
जिसके संबंध में जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया के संबंध में एक छापे की कार्यवाही की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कहीं अनुदानित यूरिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यूज तो नहीं की जा रही है। इसलिए जो भी कंपनियां जो कि यूरिया का उपयोग कभी कभी करती हैं, वह अनुदानित यूरिया तो नहीं कर रही हैं। कंपनियों के लिए टेक्निकल ग्रेड यूरिया आता है, वह उसका प्रयोग करती हैं, जो कि अनुदानित यूरिया से महंगा होता है। हम लोगों ने 15 कंपनियों के निरीक्षण किए हैं, जिसमें 3 जगह टेक्निकल ग्रेड यूरिया पाई गई है, जिसका नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है, जिससे यह पता चल रहा है कि इसमें अनुदानित यूरिया तो नहीं है। यदि पाया जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, विज्ञप्ति कल एक्चुअली जो है टेक्निकल ग्रेड यूरिया के संबंध में एक छापे की कार्रवाई की गई थी, जिसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि कहीं अनुदानित यूरिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं जो यूरिया का उपयोग कभी कभी करती हैं, वो अनुदानित यूरिया का प्रयोग तो नहीं कर रही हैं। इसके लिए छापे की कार्रवाई की गई। उनके लिए जिन फैक्ट्रियों में यूरिया की ज़रूरत होती है, वो टेक्निकल ग्रेड यूरिया आता है कमर्शियल यूज के लिए, उसका प्रयोग करती हैं। तो इसी का निरीक्षण था, सघन जांच थी कि कहीं टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर अनुदानित यूरिया का प्रयोग तो नहीं कर रही हैं। इसी के लिए छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग हम लोग कल 15 इंडस्ट्रियल क्षेत्र की इंडस्ट्रीज का हम लोगों ने निरीक्षण किया था, जिसमें 3 जगह टेक्निकल ग्रेड यूरिया पाई गई, जिसका नमूना ले लिया गया है, इसको जांच के लिए भेज दिया जाएगा आज, इसलिए कि उसमें कहीं नीम कोटेड यूरिया तो नहीं है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर नीम कोटेड यूरिया पाई जाती है तो फर्दर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी तरह की यूरिया और कहाँ कहाँ यूरिया? यूरिया मुख्य रूप से आप देखें तो 2 तरह की होती है। एक है जो सामान्य यूरिया, जो अनुदानित यूरिया हमारी होती है, वो कृषक भाइयों के लिए होती है। इस पर बहुत ही बड़ी सब्सिडी की मात्रा होती है, प्रति बैग पर लगभग 1800 रुपये सब्सिडी होती है। जो टेक्निकल ग्रेड यूरिया होती है, उस पर अनुदान नहीं होता है, वो कमर्शियल यूज के लिए होती हैं, जो कंपनियों के लिए, यानी जो ऐसी कंपनियां जो जिनको यूरिया के उपयोग की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए होती है। ये 2 तरह की मुख्य रूप से यूरिया हम लोग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन दिवस पर राजनीति विज्ञान व रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश सिंह पहुंचे। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राकेश सिंह ने कहा कि दुनिया में गुणात्मक परिणाम बेहतर शोध अध्ययनों से आते हैं, इसलिए हमें अपनी क्षमता को समझते हुए शोध कार्यों को बेहतर करने की जरूरत है। किसी भी समाज में सिस्टम बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसे संरक्षित रख पाना काफी मुश्किल होता है। इस महाविद्यालय के संस्थापक दिग्विजय नाथ जी महाराज का विजन था कि पूर्वांचल के छात्रों का सम्यक विकास, जहां वह भारतीय दर्शन व चिंतन से जुड़ सके, इस दिशा में महाविद्यालय काफी आगे बढ़ा है, जिसे एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान समय की मांग है कि विद्यार्थियों के कोर्सेज को बाजार उपयोगी किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों में लोग फिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में चलते रहे हैं। वही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, पूर्व प्राचार्य किसान पीजी कॉलेज सेवरही कुशीनगर, ने कहा कि योग दर्शन, चिकित्सा, राजनीति व विकास के क्षेत्र में गोरक्षपीठ ने समाज को अप्रतिम योगदान दिया है। यदि इच्छा शक्ति हो तो एक चना भी भाड़ फोड़ सकता है, क्योंकि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से एक व्यक्ति मंजिल की तरफ कदम बढ़ा देता है तो करोड़ों जन चेतना भी उससे जुड़ती चली जाती है। इसलिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से ही विद्या भी आती है। ज्ञान दैवीय संपदा है। वास्तव में भारतीय परंपरा में ज्ञान वो है जो आत्मा, परमात्मा, माया व जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त कराए। ज्ञान के क्षेत्र में उत्तर से ज्यादा प्रश्नों का कौतूहल महत्वपूर्ण होता है। यदि हम जीवन की छोटी छोटी संकीर्णताओं से मुक्त होते चलें, तो साविद्या या विमुक्ति का सही अर्थों में पालन कर सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास की जरूरत होती है। राष्ट्र संत महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की शिक्षा के प्रति गहरी रुचि एवं समाज की चेतना को जागृत करने का संकल्प गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रति साकार सिद्ध हुआ है। सामाजिक समरसता के प्रति भी गोरक्षपीठ सदैव संवेदनशील रहा है। इस अवसर पर प्रोफेसर शशि प्रभा सिंह, प्रोफेसर अर्चना सिंह, डॉक्टर राम प्रसाद यादव,
डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, पीयूष सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा, डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर सिंह, विवेकानंद, विकास पाठक, आशुतोष दुबे सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान महानगर के 80 वार्डों के पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्या को बताया, जिसमें अधिकतर समस्या सड़क, पानी व जर्जर सड़क से संबंधित थी। इसके अलावा कुछ जगहों पर नाली नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिस पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सभी वार्ड के पार्षदों की समस्याओं का निस्तारण होगा। उन्होंने कहा, इन सभी समस्याओं को देखते हुए सभी वार्ड में धन आवंटित किया जाएगा, जिससे महानगर का विकास हो सके और हमारा महानगर स्वच्छ व सुंदर बन सके। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, पार्षद मनोज निषाद, पार्षद माया देवी, संगीता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नाश्ता पानी करा दीजिए, बिना ऊर्जा के पार्षद कैसे लोग जा नहीं पाते हैं, स्कूली बच्चे भी नहीं चल पाते हैं। हम आग्रह आपसे करना चाहेंगे कि आप या माननीय महापौर जी या मुख्य अभियंता कोई भी आदमी जाकर वहाँ तो दूर सूचना आपको देनी है। मेडिकल कॉलेज रोड पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण किया गया। ये विगत तकरीबन 9 वर्षों से कार्य चल रहा है। किसी भी कॉलोनी का, किसी भी विभाग के नालियों का पानी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए गए नाले में आना नहीं आ पा रहा, जिसके कारण पूरी कॉलोनियों में जल जमा हो रहा है। सही साफ एक कटी कॉलोनी है, जिसमें से 14